जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से बौखलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की बात कही है। हालांकि अगर पाकिस्तान ने कश्मीर मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की कोशिश की तो भारत का काम आसान हो जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान को पीओके भी खाली करना पड़ेगा। पाकिस्तान के कानून मंत्रालय ने इमरान खान को नसीहत दी है कि वह कश्मीर मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ले जाने की गलती ना करे। पाकिस्तान भी यह भली भांति जानता है कि अगर उसने कश्मीर मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाने की कोशिश की तो उसको पीओके से भी हाथ धोना पड़ेगा। इसकी वजह यह है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 21 अप्रैल 1948 को एक रिजोल्यूशन पारित किया था जिसमें सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तान को पीओके खाली करने और सेना को वापस बुलाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा सुरक्षा परिषद ने पीओके को जम्मू कश्मीर से मिलाने का भी निर्देश दिया था। अब कश्मीर के मसले पर ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने खुलकर भारत का प्रदर्शन किया है। उन्होंने 21 अप्रैल 1948 के रिजोल्यूशन का जिक्र करते हुए कहा कि पीओके समेत पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। इसके साथ ही सुरक्षा परिषद ने भी अपने पहले रिजोल्यूशन में माना था कि पीओके समेत पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है। साथ ही सुरक्षा परिषद ने पाकिस्तानी सेना और नागरिकों से पीओके खाली करने को कहा था, लिहाजा पाकिस्तान को पीओके खाली करना चाहिए। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।